मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं सोडो बायो टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान, इस दिमापुर जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह प्रोडक्ट एसिट्रोनाइट्रोक्लीन प्रोडक्ट है। यह इसमें हेल्प करती है, जिसमें न्यूट्रलाइज करती है और हाइड्रोजन आयरन और क्रेंस्टेशन को ब्लड के अंदर और यूरिन के पेज की मेंटेन करके रखती है। और यह प्रोडक्ट क्लिनिकेरी मैनिफेस्टली एसियोपोशिया को मेंटेन करके रखती है, बढ़ा देती है। और बायोकार्बोनेट यूरिन के अंदर, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन का पेज रहता है वो बढ़ जाता है। और एल्केली थेरेपी रहती है, जिसे मोटापा, जीजन, अल्करीज। तो इन दिक्कतों में आपका डॉक्टर आपको इस प्रोडक्ट को यूज करवाने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ। तो दोस्तों इस सोडो बायो टैबलेट की फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।